अरे रे, ये भाई मेरा खून क्यों निकाल रहे हैं? तो चलो फ्रेंड्स, बने रहे ब्लॉग में। तो वेलकम टू माय इंडिया सीरीज़। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने कपड़े थोड़े अल्टर करवाने, क्योंकि ऑल्ट्रेशन के काम है वो मैं कनाडा नहीं करवाती हूँ, वहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है। तो जो भी कपड़े मेरे अल्टर करवाने हैं और यहाँ से भी जो मैंने बाय किए वो भी अल्टर करवाने हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लेके आई थी। यहाँ पर बहुत सारे है अल्टर करके देते हैं, लेकिन ये भैया है उन्होंने मुझे बोला कि हाँ अभी के अभी मिल जाएंगे। बाकी दूसरे लोगों ने बोला था कि अभी थोड़ी देर लगेगी, या तो कल देंगे ये देंगे, लेकिन मुझे सामने ही करवाना था तो इसीलिए फिर मैंने इनसे ही करवाया। मैं और अपने पापा दोनों आए थे यहाँ पे मैं ऑल्ट्रेशन का काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे पापा मुझे पूछ रहे कि क्या खाओगे, खा लो, मतलब जो भी खाना है इंडिया में ही आपको ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकली मिल जाती है, जो हमारे गुजराती ये है खांडवी, फिर ये पात्रा, ये खमन, जो पात्रा में भी दो वैरायटीज़ है, मतलब एक मसाला वाले और एक नॉर्मल वाले। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे गुजरात की हमारी जो फेमस डिश है यहाँ पे, वो जो समोसा है दो टाइप्स के, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये लोग करेला के जो भजिया, मतलब इस बोलते हैं हमारे गुजरात में, तो वो भी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने हमको जो चाहिए था वो सब ले लिया। और यहाँ पे मैं अपने पापा के साथ टू व्हीलर पे आई थी, क्योंकि थोड़ा अभी रास्ता भी ये जो होता है ना, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का कोई जगह नहीं होता। आप देख सकते हो कि हर जगह है ना टू व्हीलर ही पार्क किए होते हैं। तो अब मुझे क्या हो गया है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें देखा ना, मैं हर रोज़ बाहर का ही खाती हूँ, तो थोड़ा मुझे वीकनेस लग रहा था। बाकी काफ़ी कुछ और कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी में पेन लग रहा था। कभी छाती में पेन है, कभी कभार नेक में पेन लगता है, कभी पूरा बॉडी में पेन लगता है। तो फिर पापा ने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू रिपोर्ट ही करवा दे भाई, तू है ना ऐसे। फिर है ना थोड़ा पेन होता है तो दिमाग कहीं ना कहीं चला जाता है कि भाई क्या हुआ होगा ये वो, उससे अच्छा है कि तू है ना रिपोर्ट करवा दे। तो उसके लिए वो ब्लड ले रहे हैं, तो पहले वो एक हाथ पे उन्होंने वो लगाया और फिर नहीं हुआ, क्योंकि मैं मोटी भी वैसे हो गई हूँ इंडिया खा खा के। तो यहाँ पे दूसरे हाथ में उनको मेरी वेन मिली और मुझे बहुत, मतलब मैं नहीं देख सकती हूँ। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे ना वो स्ट्रेस बॉल दे दे, तो उसने फिर मुझे ना स्ट्रेस बॉल दूसरे हाथ में थमाया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि इस साइड देख, ये साइड देख, लेकिन मैं कैसे देखूँ, नहीं देख सकती थी, लेकिन फिर भी देखो, मतलब आंखें खोल खोल करके देख रही हूँ। पहले मैं ये सारी काम करती थी, क्योंकि पहले मैंने बीएससी नर्सिंग जब ज्वाइन किया था तो सब मैं दूसरों का भी ब्लड लेती थी, इंजेक्शन भी देती थी, लेकिन अब नहीं दे सकती वो, ले सकती हूँ। और यहाँ पर हम बच्चों को भी डरा रहे हैं ना कि देखो आपको भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उनको भी, मतलब वो दोनों भी बीमार है, तो अभी उनको लेके भी हॉस्पिटल जाना है। और ये सारे रिपोर्ट्स तो 24 आवर्स में आ जाते हैं, मतलब दूसरे दिन तक या तो सेम डे भी आ जाते हैं, लेकिन मुझे बोला था कि 24, मतलब कल सुबह तक आ जाएगा। और अब मुझे मैंने बोला ना दो बच्चों बीमार है तो उनको लेके भी हॉस्पिटल जाना है, तो अभी उन लोगों को रेडी करके हम लोग हॉस्पिटल चले। मेरे बेटे को 103 डिग्री बुखार था अगली रात को, इसीलिए फिर आज है ना हम उसको हॉस्पिटल लेके आए। और मेरा जो भतीजा है उसको भी थोड़ा बुखार आया हुआ है, और अभी वायरल चल रहा है, लेकिन डेंगू का वायरल चल रहा है, तो मुझे थोड़ा टेंशन है कि मतलब डेंगू ना हो, इसीलिए फिर मैं सोचा कि चलो मतलब बता ही देते, क्योंकि मॉस्किटो, मतलब मानसून सीज़न है तो मॉस्किटो बहुत बाइट कर रहे हैं, मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आ गए, सोचा कि दोनों को साथ में दिखा देंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर नीरव पटेल करके हॉस्पिटल, मतलब उनका हॉस्पिटल है वरदान हॉस्पिटल, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे मेरे भाभी ने पहले से ना केस निकलवा के रखा था, तो यहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, थैंक गॉड उन्होंने बोला कि भाई टॉन्सिल के असर है, ऐसा कुछ और तो लग नहीं रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत।